पॉलिटी 3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को मैं यहां लेकर के आया हूं। इस पार्ट 3 जो कि पॉलिटी का है, इसके पहले मैंने दो वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बना रखी है पॉलिटी के संबंधित, उन वीडियोस को भी देखिए। और इस वीडियो में प्रस्तावना जो भारत की है काफी महत्वपूर्ण होती है, इस प्रस्तावना से संबंधित मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ लेकर के आया है जो आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं और आगे की जो एग्जाम है उनमें पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। प्रस्तावना भारत की संविधान की आत्मा मानी जाती है और इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हर एग्जाम में इससे प्रश्न कुछ न कुछ पूछे जाते हैं। इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है, उस अमेंडमेंट को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पे मुझे जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पर ही आपको हमारी वीडियो के PDF और लिंक दोनों मिला करती हैं। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, लेकिन उसके पहले भारत की संविधान की उद्देशिका यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्रैम्बल बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रैम्बल है जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेकर के आया हुआ है। इसे आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने अभी तक तो पढ़ाई होगा क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली हर जगह हर किताबों में जो भी पॉलिटिक किताब होती है वहाँ पे जरूर रहता है, तो आपने इसे जरूर पढ़ा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझते भी होंगे। तो चलिए एक बार इस प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों करेंगे क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न इन प्रस्तावना से संबंधित ही हैं। तो देखिए, जब प्रस्तावना लिखी गई थी उद्देशिका जो यह बताती है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर हमारी संविधान की क्या विशेषता है, ये उसका उल्लेख करती है। इसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। तो पहला जो लाइन है वो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। इसके बाद होता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा उद्देशिका है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं भारतीय संविधान के बारे में और इसमें बताया गया कि भारत किस तरीके से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, जिसमें सभी व्यक्तियों को एकता अखंडता की बात कही गई है ना, सबको अवसर की समानता की बात कही गई है, धर्म निरपेक्षता की बात की गई है। तो हर बात यहाँ पर बताई गई है और आखिरी में 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, इसको लिखा गया है। और आपको पता है कि ये 26 नवंबर 1949 को ही इसे अडॉप्ट कर लिया गया था और फाइनली इसे एम्प्लीमेंट जो किया गया था, लागू जो किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसी तरीके से ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunities and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने आपको बता दिया। अब चलिए प्रश्नों को करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
इसे भारतीय संविधान की आत्मा बताया गया है, क्योंकि भारतीय का संविधान का जो मूलभूत रूप है ना, वो प्रस्तावना ही है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, है ना? तो भारत की प्रस्तावना पर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना? तो अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ही आपके भारत की संविधान की मूलभूत ढांचा के बारे में आपको पता चल जाएगा, इसलिए प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है ना, संप्रभुता है, ये बताया मैंने संविधान में जो आपने अभी उद्देशिका पढ़ी, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना होती है शुरू वो होती है हम भारत के लोगों से, है ना, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। आगे है प्रश्न, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? बिल्कुल, रिपब्लिक इंडिया बोला जाता है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए कोई भी राष्ट्र अगर गणतंत्र है उसका मतलब ये है कि उस राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, ये निर्वाचित होता है निर्धारित अवधि के लिए। और इस तरीके से आपको यह जानना है, जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसे क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और वो कुछ समय के लिए इलेक्ट, यानी कि 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, उसका चुनाव होता है, और फाइनली वो 5 साल के लिए रहता है, फिर आगे फर्दर वो लगातार 2 बार चुनाव में जीत सकता है, लेकिन 2 बार के बाद वो नहीं जीत सकता, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत एक है, भारत क्या है ना, ये आपको जानना जरूरी है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारत जो है ना वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि आपने प्रस्तावना भी पढ़ा था पंथ निरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर ना तो कोई हिंदू राष्ट्र बोलेगा, ना हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बोलेगा, और ना ही कोई और, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें बताएगा कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार जो है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि वो राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएगा, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो होगा किसके द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्म निरपेक्षता कहलाता है, यानी कि राज्य की सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसमें, आप ऑप्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म निरपेक्ष समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता, जैसे कि इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष मतलब किसी निश्चित धर्म का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया, गणतंत्र वह होता है जहां पर राज्य का अध्यक्ष जो है ना वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो हेरिडिटरी सिस्टम है, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, वो उसका चुनाव होगा, चुनाव में जीतने के बाद ही वो बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? जी बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और इस हिसाब से भारत की प्रस्तावना में 2 शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए, समाजवादी का मतलब होता है समाज के कल्याण, जो निम्न जो पिछड़े जाति वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। कुल 10 प्रश्नों के मैंने यहाँ पे करा दिया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार मैं लेकर के आऊंगा। ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऑलरेडी मैंने ये चौथी वीडियो बना रखा हूँ, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे कराया जाएगा। भारत की एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? जी बिल्कुल, तो ऑलरेडी यह प्रश्न रिपीट हो गया है बार बार, और बार बार इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि प्रश्न को पूछने का तरीका अलग है और उनकी ऑप्शंस भी अलग हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए, समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण शब्द जो है वो उद्देशिका में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, भारत में एक कल्याणकारी राज्य होगा, जिसका मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, भारत में इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वहां पर आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्या माना जाता है? गणराज्य माना जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों भारत को गणराज्य माना जाता है? क्योंकि भारत का जो भी संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर सॉरी राज्य पक्ष राज्याध्यक्ष जो है उसका चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। ये प्रश्न इस तीसरी बार पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस बार अलग तरीके से पूछा गया कि जो राज्याध्यक्ष होगा उसका चुनाव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। संविधान की प्रस्तावना में देखिए कौन क्रम सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र राज्य है भारत। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या मतलब है ना। सेक्युलर का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता होना, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर कोई भी उनको मनाही नहीं करेगी। जो जिस व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है, जिस तरीके से उसे मनाना चाहता है, उसके लिए उसे स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर शब्द धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कब, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बिल्कुल, यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो ये दोनों कथन सही हैं। यह मूल प्रस्तावना में था? बिल्कुल नहीं था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है ना। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है। बिल्कुल, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय होता है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे के संविधान से ली गई है। देखिए, भारत का जो संविधान बना था उससे बहुत सारी बातें हमने अलग अलग देशों से ली है, चाहे वो USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कैनेडा हो, फ्रांस हो, है ना, इन सभी देशों से जहाँ पर ऑलरेडी संविधान बन चुके थे, चाहे वो अफ्रीका का जो संविधान है वहां से भी हमने बहुत सारी बातें ली हैं। तो उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि किस किस देशों से भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर समवर्ती सूची की बात की है, तो आपको जानना चाहिए कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो आपको पूरी तरीके से बता दी है। आखिरी प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।